अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ मुरादाबाद के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष रोहित वाल्मीकि के साथ कोरेगांव महाराष्ट्र के दलितों पर हो रहे उत्पीड़न की कड़े शब्दों में निंदा की गई। निंदा करते हुए मुरादाबाद मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को मंडलायुक्त के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि दलितों पर उत्पीड़न रोका जाए, मृतक दलित परिवार को मुआवजा दिया जाए, मृतक के परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, घायलों का सरकार की तरफ से इलाज कराए जाने और उत्पीड़न करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री रंजीत सिंह काका, मंडलाध्यक्ष नेकपाल सिंह प्रधान, रोहित वाल्मीकि, राहुल सेवक, रामोतार राणा, सिद्धांत भारती, कुकू चौधरी, राजीव भारती, कपिल चौधरी, राहुल भारती, अमित सेवक, रॉबिन मदान, नन्हे आदि लोग मौजूद रहे। पूरे भारत के अंदर दलितों के उत्पीड़न चरम सीमा पर है, उनका शोषण में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव के अंदर दलितों के ऊपर वहां के स्वर्ण जाति के लोगों ने बहुत बड़ा प्रहार किया और उनका शोषण किया, उनका उत्पीड़न किया गया है। हम देश के राष्ट्रपति जी को आज ये ज्ञापन सौंप कर मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है और वहां पर दलितों का एक वीर जवान शहीद हुआ है, हम मांग करते हैं कि उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार के अंदर सरकारी एक नौकरी दी जाए और जिन लोगों ने उसकी हत्या की है और दलितों के ऊपर उत्पीड़न किया है उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो लोग निर्दोष लोगों के खिलाफ में, दलित लोगों के खिलाफ में जो वहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को समाप्त किया जाए।